पे सूर्यवंशी मोनू सैनी इस समय हम जनपद शामली के कांधला में मौजूद हैं, जहां पर सीक्रेट ऑफ क्राइम के नाम से एक बहुत ही जल्दी मूवी रिलीज होने जा रही है। उसके जो मूवी में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं सौरभ जी हमारे साथ में अभिनेता मौजूद हैं। सौरभ जी स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। सौरभ जी आपका जन्म कहाँ पर हुआ है? मेरा जन्म मेरे गाँव में हुआ है, मेरे घर पर हुआ है। आप जो फिल्म लाइन में आए हो, ये जो एक्ट कर रहे हो फिलहाल अभी, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपके मन में एक जज्बा उठ पड़ा कि मेरे को जो है एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है? ये दरअसल हमारी सिटी शामली में हमारा एक ग्रुप है मन मूवीज़। फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक पे मन मूवीज़ को देखा था, तो तब मेरे कॉन्टैक्ट हुए मन मूवीज़ के जो डायरेक्टर है विकास सैनी जी से। तो उन्होंने पहले बहुत वर्क कर चुके थे उस टाइम पे, तो मैंने देखा कि यार ये बंदा तो बहुत वर्क कर रहा है, मुझे भी इनके साथ लगना पड़ेगा। तब मैंने उनसे बात की कि सर मैं भी आपके साथ मिलना चाहता हूँ। मुझे शौक़ था बचपन से ही एक्टिंग करने का, और बाकी डांसिंग का भी शौक़ था मुझे। डांसिंग मैं DID वगैरह के ऑडिशन भी दे चुका। तो फिर उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट में जोड़ा मुझे। उसके बाद धीरे धीरे हमने कुछ सॉन्ग किए साथ में, और अभी एक मूवी की हमने सीक्रेट ऑफ क्राइम। तो अब सौरभ जी आप ये बताइए, आप जो है अब तक किन किन फिल्मों में और किन किन गानों में अपना कौन कौन सा किरदार अभी तक निभा चुके हैं? अभी तक मैंने केवल सॉन्ग किए हैं, सॉन्ग में एक्टिंग की है, काफ़ी सॉन्ग कर चुका मैं। मूवी मेरी फर्स्ट है ये सीक्रेट ऑफ क्राइम, फर्स्ट मूवी है आपकी सीक्रेट ऑफ क्राइम। ये बताइए जैसे कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके जीवन में क्या क्या आपने क्या किस किन किन उससे गुजरे हो, आप क्या क्या आपके जीवन में संघर्ष रहा है, कितना संघर्ष करने के बाद में आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखो एक्टिंग लाइन में ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं होता, एक्टिंग लाइन में बहुत संघर्ष होता है, और मैंने किया भी, अभी तक काफ़ी कुछ खो दिया और बहुत चीज़ मिली भी। सॉन्ग बनाने के लिए पहले अपना खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता था, पर धीरे धीरे मैंने मेरा स्टूडियो है अपना, स्टूडियो से हमने कैमरे बनाए, हम पूरी टीम मिलके मन मूवीज़ और विकास सर ने हम मिलके खुद का काम करने लगे हम धीरे 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 धीरे। और जैसे ही हमारे सॉन्ग थोड़े बहुत चलने लगे, उसके बाद हमने सोचा कि मूवी करें। सर जैसे कि आप ये सीक्रेट ऑफ क्राइम मूवी कर रहे हैं, इसमें मूवी में काम करके आपको कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो महसूस तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो रोल है ना वो बहुत ही ख़तरनाक रोल है। और इसमें हम पांच दोस्तों की कहानी है, इसमें क्या है कि हम काम कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एज ए टीम वर्क हम वर्क कर रहे हैं, और इसमें हमारे लिए एक बड़े पर्दे की पहली मूवी है मेरे लिए। उससे पहले भी आपने किसी मूवी में काम किया है? मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, एक दो सॉन्ग किए हैं, एक दो शॉर्ट स्टोरीज़ की हैं। कैसा लगा आपको काम करके? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छी तरीके से कलाकार को पहचान के उसकी क्वालिटी। अच्छा, जो सीक्रेट ऑफ क्राइम के नाम से जो मूवी आ रही है, इसमें आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? मैं उसमें एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इसका नाम सिद्धार्थ नेवाल है, और वो किसी भी कीमत। मिस्टर आबिद सेवी जी भी आज हमारे साथ में मौजूद है, जो कि कई फिल्मों में और कई गानों में अपनी एक अच्छी भूमिका निभा चुके हैं। कई फिल्मों में इनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय आबिद सेफी जी हमारे साथ में हैं, और एक सबसे बड़ी बात हो रही है, समाज सेवा के रूप में भी ये अपनी आज के समय में अच्छी पहचान बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी काफ़ी अच्छी पहचान इन्होंने बनाई हुई, एक मिसाल कायम करने का इन्होंने काम किया है। आबिद सेफी जी हमारे साथ में इस समय मौजूद है, स्वागत है आबिद सेफी जी। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने जो है
हमें अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया और मैं शामली से बिलोंग करता हूँ। सर, आप जैसे कि समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा के साथ साथ में आपको ये फिल्म लाइन का जज्बा कहाँ से उठ पड़ा एकदम से? ये उठ पड़ा जो है कहाँ से उठ पड़ा? फिल्म लाइन का जज्बा आपके अंदर कैसे जाग पड़ा? आप एक समाज सेवा भी करते हैं, ये कैसे आपके मन में फिल्म लाइन का जज्बा जाग पड़ा? समाज सेवा अलग रहता है और मैं शामली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कुछ ना कुछ माध्यम से हमारे शामली का नाम रोशन हो, ये थोड़ा सा माध्यम है। और पूछिए कुछ। अच्छा, जो आप ये सीक्रेट ऑफ क्राइम में जो मूवी में काम कर रहे हो, आप इसमें कैसा फील कर रहे हो? फील तो मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी भूमिका आप निभा रहे हैं इसमें? मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का विभाग से जो है मैं संबंध रखता हूँ इस पिक्चर में। भूमिका मेरी पुलिस की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की। और इसमें थोड़ा अलग क्या है, सीक्रेट ऑफ क्राइम में पुलिस और अपराधी के बीच में कोई संबंध नहीं होता, ये खासकर हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। और उनको पता चलेगा कि भाई जुर्म की दुनिया गलत है और पुलिस का भी थोड़ा फ्रेंडली माहौल आम जनों में रहना चाहिए, जो डर रहता है वो ना। ये कुछ